IPL 2023 के सीजन का मैच नंबर 17 में होते हुए दिखने वाला है चेन्नई की टीम के बीच में और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच में। और इस मैच के अंदर क्या दोनों टीमों की प्लेइंग 11 रहने वाली है और क्या पिच रिपोर्ट रहने वाली है और क्या मैच प्रेडिक्शन रहने वाली है, तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो कि आपकी फेवरेट टीम जीते आज का मैच, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक अभी कर दीजिए। और अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते दोस्तों। अगर आप लोगों को भी जो RR की टीम के बीच में, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच में जो आज मैच होने वाला है, उसके अगर 100% कंफर्म प्रेडिक्शन जानने के, आखिर कौन सी टीम में 100% कंफर्म रूप से मैच जीतने वाली है, तो फटाफट अंकित भाई से संपर्क कर लीजिए। अंकित भाई का मोबाइल नंबर आप लोगों को आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, या अंकित भाई का व्हाट्सएप नंबर है, तो जाइए फटाफट अंकित भाई से संपर्क कर लीजिए अगर आप लोगों को आज के मैच की कंफर्म प्रेडिक्शन जाननी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पहले पिच रिपोर्ट के बारे में। तो आज का जो मैच होने वाला है, यानी मैच नंबर 17 होने वाला चेन्नई और RR की टीम के बीच में, हमें चेपॉक के स्टेडियम में होते हुए दिखने वाला, जो कि चेन्नई के स्टेडियम में हमें मैच होते हुए दिखने वाला है। और दोस्तों दोनों टीमों के अगर प्लेइंग 11 उठाकर देख ले, लेकिन पिच रिपोर्ट से तो साफ पता चल रहा है कि बल्लेबाजों को काफ़ी मदद इस पिच के ऊपर रहने वाली आज के मैच के अंदर। तो बल्लेबाजों का बोलबाला आज के विकेट के ऊपर रहने वाला। और अगर दोनों टीमों के प्लेइंग 11 उठाकर देख ले, तो चेन्नई की टीम की अगर प्लेइंग 11 के बारे में बात की जाए, तो डेविन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ में चेन्नई की टीम की ओर से ओपनिंग करते हुए दिखने वाले और अजिंक्य रहाणे, मोहन अली, शिवम दुबे मिडिल ऑर्डर में दिखने वाले, और फिनिशर्स के तौर पर रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी और डेविन पिटोरिया दिखने वाले, और बॉलर के तौर पर राहुल वर्मा, हांगरेकर, महेश दीक्षण और तुषार देशपांडे हमें CSK की टीम के प्लेइंग 11 के अंदर नजर आने वाले। और अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम के प्लेइंग 11 के बारे में बात की जाए, तो जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल में राजस्थान रॉयल्स की टीम की ओर से ओपनिंग करते हुए दिखने वाले आज के दिन, और संजू सैमसन, रियान पराग, शिवम रॉय, नेट मारन मिडल ऑर्डर में दिखने वाले, और फिनिशर्स के तौर पर जुरेल, रविचंद्रन अश्विन और जेसन होल्डर दिखने वाले, और बॉलर्स के तौर पर ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, युजवेंद्र चहल में RR की टीम के प्लेइंग 11 के अंदर नजर आने वाले। तो RR की टीम इस तरीके की हमें प्लेइंग 11 लेकर उतरते हुए दिखने वाले आज के मैच के अंदर। तो प्लेइंग 11 को देख लिया, तो दोस्तों दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें दिख रही है। चेन्नई की टीम के पास में काफ़ी अच्छे स्पिनर्स और RR की टीम के पास में काफ़ी खतरनाक स्पिनर्स मौजूद है, युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन के तौर पर। और चेपॉक के स्टेडियम में हम देखते हैं कि दूसरी इनिंग में दोस्तों स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। दूसरी इनिंग में जो गेंदबाजी करेंगी जो भी टीम, उसके स्पिनर्स काफ़ी इफेक्टिव साबित हो सकते हैं चेन्नई के विकेट के ऊपर। तो मैच हमें कोई भी टीम जीतते हुए देख सकते हैं, लेकिन हमारे प्रेडिक्शन के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स की टीम ये मैच हमें जीतते हुए नजर आ सकती है। और अगर आप लोग कन्फर्म प्रेडिक्शन जाननी है, तो फटाफट अंकित भाई से संपर्क कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका नंबर देने वाला हूँ, और फोन नंबर आपको अंकित भाई का दोस्तों आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आओ तो वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।